आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। भाई भीम के हत्यारों को धार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व पार्षद बाला बागवान भी षड्यंत्र में शामिल। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर की थी भाई भीम की हत्या। योजनाबद्ध तरीके से रची थी हत्या की साजिश। आपको बता दें कि धार में कुछ दिन पूर्व हुए भाई भीम के जघन हत्याकांड ने शहर में हड़कंप मचा दिया था। इसको लेकर धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में व सीएसपी देवेंद्र ध्रुव के नेतृत्व में थाना कोतवाली प्रभारी समीर पाटीदार व साइबर सेल की टीम को लगाया गया। उसके अलावा प्लानिंग में इन्वॉल्व मेन व्यक्ति है बाला उर्फ नौशाद, बाला बागवान जिसको बोलते हैं, उसको पुलिस ने, चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी सद्दाम और जाफर नाम के दो व्यक्ति हैं, वो अभी इस मामले में फरार है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में आपको जैसे घटना का पता है कि ये 8 तारीख की घटना है शाम की, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के आए। टीम ने कुछ दिनों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर मुख्य आरोपी सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में उपयोग किए देसी कट्टा मोबाइल भी जब्त किया। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इस हत्याकांड का खुलासा प्रेस वार्ता कर किया। आप भी देखिए इस घटना को लेकर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है। आज धार पुलिस सभागृह में हमारी जो कोतवाली की टीम है, हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी देवेंद्र और टीआई कोतवाली समीर पाटीदार, इनकी जो टीम है लगातार लगी हुई थी। 8 तारीख को एक मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें भीम भाई नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जिसमें दो लोग मोटरसाइकिल पे आते और उन्हें गोली मार के चले गए थे। उस पूरे प्रकरण में पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें अरशद, अरबाज, शकील और बाला बागवान, ये 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 आरोपी सद्दाम और जफर अभी फरार हैं। इस पूरी घटना में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल, वेपन और कुछ पैसा रिकवर किया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट।